जब से आया दिल्ली जेब हो गई ढीली। अगर आपकी भी इस महीने जेब हो रखी है ढीली, पैसे थोड़े नहीं है, जेब थोड़ी टाइट। मैं गरीब हूँ क्या गरीब की माँ की। तो आज की वीडियो में हम आपको टॉप लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया लाइक डोमिनोज, मैकडी और काफी ज्यादा जिनके हम लोग अक्सर खाते हैं महंगी महंगी चीजें, उनकी आज हम लोग चीपेस्ट मील, नॉट अ प्रोडक्ट, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट, पूरी एक मील लेंगे और आपको बताएंगे उनमें से आप क्या क्या खा सकते हो जब आपकी जेब में पैसे ना हो। तो आज हम खाने वाले हैं चीपेस्ट मील जिसका बजट रहने वाला है मात्र 100 रुपए एवरी प्रोडक्ट का। तो फिर बढ़ते हैं अपने पहले आउटलेट ब्रांड पे, तो लेट्स गो। तो भाई हम अपने पहले ब्रांड आउटलेट डोमिनोज से लेकर आ गए उनकी मील जो न्यूली लॉन्च है। वो क्या है भाई? वो 4-course मील है। उसके अंदर देखते हैं क्या क्या आइटम्स मिलेंगे हमें 100 रुपए में। भाई सिर्फ 100 रुपए में, 100 की नहीं है 104 की। सॉरी, और रहने वाली है मात्र 103, मतलब मोटा मोटा 104 रुपए। तो एक बारी वो मील को भी ओपन करते हैं। बड़ा सा है बॉक्स, ये कोई लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा नहीं रहने वाला है। सील तोड़ दी। ओ, पहली बार जिंदगी में सील तोड़ी भाई ने। ये है हमारी 4-course मील। इसमें एक चीज की कमी है अभी, और ये अब कमी होने वाली है पूरी। भाई इस पूरे प्लेटर पे अपना गोल्डन कॉर्न पिज्जा, पिज्जा मेनिया जो इनका फ्रेश पैन पिज्जा आता है ना, वही वाला लग रहा है मुझे साइज़। मेरे को पर्सनली ये थोड़ा छोटा लगा उससे। हो सकता है 99 में बच्चे की जान लेगा क्या? हाँ, और साथ में दिया इन्होंने इनके 4 कटलेट्स। 3 है भाई, 3 कटलेट्स और चटनी और साथ में कोल्ड ड्रिंक। एक बार अपने कटलेट्स को ट्राई करते हैं। भाई इसमें तो राजमा सा लग रहा है ये तो मुझे। टेस्ट करते हैं चलो। और क्रंची है एकदम, खा के देखते हैं पता चलेगा। ओके भाई, पता नहीं चल रहा है इसका टेस्ट क्या है। वो चटनी थोड़ी सी ना खट्टी खट्टी सी है, मैं वो चटनी या तो खराब लग रही है क्या है, पर कटलेट का टेस्ट समझ से नहीं आ रहा क्या दे रखा है ये। एक बारी मैं भी इसको टेस्ट करके देखता हूँ। लेट्स हैव इट विद चटनी। एक बारी मैं भी इसको टेस्ट करके देखता हूँ। चटनी का टेस्ट में वो थोड़ा सा वियर्ड लगा, चटनी है सो एंड सो, बट दी कटलेट्स आर प्रीटी गुड। अब एक बारी पिज्जा को ट्राई करते हैं। इसका पिज्जा को ट्राई क्या करना है, ये तो हम डोमिनोज का पिज्जा खा कर एकदम इतने से इतने हुए हैं और हमारा इतने से इतना हुआ है। मेरी बाइट और एक आपकी। चीयर्स भाई। चीयर्स। गाड़ी में हो यार, पिज्जा का कौन करता है। वही टेस्ट, सेम टेस्ट, सेम टेस्ट, नो डिफरेंस, एक नंबर। और इसी के साथ उन्होंने दिया एक कोल्ड ड्रिंक भी। इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है 4-course मील जो कि डोमिनोज ने सिर्फ 99 की लॉन्च करी है। बजट के वाइज एकदम बढ़िया, टॉप क्लास, और मील पेट भरने लायक एकदम बढ़िया, क्वालिटी टॉप नॉच और सब चीजें ऑल गुड। कितने रेट करना चाहोगे 10 में से? भाई इसको मैं 8 रेट करना चाहूंगा। मैं इसको रेट करना चाहूंगा 8.5। तो फिर इसको करते हैं बंद और बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्रांड आउटलेट की तरफ। बता दें या फिर वहीं जाके दिखा, वहीं जाके दिखा दे। चलो लेट्स गो। तो फिर अब हम अपने सेकंड ब्रांड रेस्टोरेंट जो है मैकडी, उधर से लेकर आ चुके हैं इनकी मील जो हमने ऐप से ऑर्डर करिए। वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप शायद फर्स्ट टाइम ऑर्डर करो तब आपको मिले, आप इनफिनाइट टाइम ऑर्डर कर सकते हो, बट पर डे 1 होती है। ये हमारी बड़ी 104 विद टैक्सेस। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला हमें। ओके लेट्स गो। एक तो है भाई मैकपफ, चलो okay. ये तो मेरा ही हो गया। एक हमें मिला है शायद फ्राइज रहने वाले हैं, स्मॉल फ्राइज, और एक पाउच और एक टिश्यू। इसके साथ साथ एक और चीज है, वो है मैकडी की कोक फेंटा स्प्राइट में से हम कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं इनके में से। और ये काफी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब पैकिंग के हिसाब से, मतलब अगर आप टेक अवे लेते हो आप लेके भी जा सकते हो मेरे को, जबकि ये डोमिनोज में उन्होंने ऊपर वो भी नहीं लगाया था शेड, मतलब वो ऐसे लेके आ रहा था हाथ में तू। हाँ, कि बारिश का पानी ना टपक जाए। तो लेट्स हैव दिस मील। चलो भाई पहले फ्राइज ही खा लेते हैं। ओके, पैकिंग कैसी लग रही है भाई? पॉइंट पे इसके नंबर काट सकते हैं कुछ, बस ऐसे डाल के दे दिया यार कि खा लो जाओ। कितना बढ़िया लग रहा है तू खाते हुए भाई।
इट टेस्टेड गुड ओके या तो फिर अब एक लास्ट चीज ये भी तू ही ट्राई कर ले भाई सभी कुछ खुद ही ट्राई कर ले तो क्या ही कर लो तो इतना तो इंसिस्ट कर रहा है बहुत चीजें आनी है पक्का तो क्या ही बताऊंगा मैं तुम सबको बता ही यार ये जो हम एक्सपेक्टेड है कि मतलब 100 रुपए में आप पेट भर सकते हो तो पेट नहीं भर सकते बट टेस्ट हर चीज का मिलेगा रेटिंग यार बर्गर की वजह से 8.5 दूंगा बर्गर नहीं है अगर बर्गर होता तो भाई 10 में से था मैं इसको देना चाहूंगा 8 तो चलो अपने अब नेक्स्ट ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं क्या रहने वाली है वो चलते हैं एक इंडिया में एक ना नई की नई ब्रांड दौड़ रही है जिसको अब बंदों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है कोई उसको लाइक करते हैं कोई उसको डिसलाइक करते हैं बर्गर सिंह की बात कर रहा हूं मैं तो लेट्स गो टू बर्गर सिंह तो फिर अब हम आ चुके हैं बर्गर सिंह पे मेड इन इंडिया ब्रांड है और एक तो यार मेरे को जो इनकी चीज ने इतने इंप्रेस कर रखे क्योंकि हमने इसको पहले भी खा रखा है ये सैनिटाइजर्स देते हैं पता है ना उनका हर चीज का सैनिटाइजर तो देते ही देता है चाहे तुम घर पे ऑर्डर करो चाहे तुम यहाँ पर आके लो जैसे कि कोविड के बाद ही आता ब्रांड को मैंने तो तब से ही सुना है एक बार बिल देख लेते हैं इसमें ये भी हमारी रहने वाली है 104 की और देखा जैसे कि मैंने बोला ही था सैनिटाइजर ये रहा अपना सैनिटाइजर एकदम हाथ वाथ धुलो भाई पहले तो ऐसा हाथ धुलेंगे नहीं मतलब हाथ साफ सॉरी नमक क्षमा हाँ तो बैक्टीरिया से मुक्त तो अब हम खाएंगे इन्फ्लेशन मुक्त देख रहे भाई क्या क्या है इसके अंदर इसमें पहले तो हमें मिले टिश्यू इनकी ब्रांडिंग भी एकदम सुपर्ब लगती है तू तो साफ कर लो अच्छा मेरे को कुछ और सुनाई दिया अब हमारा आएगा बर्गर रहने वाले इनका छुटकू सिंह बर्गर एक बार अंदर से दिखा देते ओ नाइस मैकडी से थोड़ा डिसेंट बट मैकडी का इस वीडियो में तो आए नहीं बर्गर क्योंकि वो देते ही नहीं देखो अनियंस अच्छे से लगा रखे पैटी है एक तगड़ी सी और नीचे कुछ भी नहीं आप खाना चाहोगे खा लो हम किसी और ब्रांड के खा लेंगे अरे खाओ खाओ अरे बस कर भाई टेस्ट अमेजिंग यार इसी जो सॉस है ना अंदर एक नंबर मैं इसको रेट करना चाहूंगा कहीं ना कहीं 8.5 मतलब अबव एवरेज यही नहीं दोस्तों अभी हमारे पास आते क्रिंकल फ्राइज फ्रॉम बर्गर सिंह मैकडी के नॉर्मल फ्राइज से खाए थे एक बार इनको भी ट्राई करो मतलब शेप में मेरे को लग रहा है थोड़े अलग और थोड़े थोड़े मसाले भी लगे हुए हैं देख सकते हो मैकडी के बिल्कुल पेरी पेरी फ्राइज जैसे इन्होंने बस क्या करा है मसालों के अंदर कोट करके दे दिया है जो कि बढ़िया लग रहा है भाई नॉर्मल वेज फ्राइज से तो बेटर है ये तो अभी हुई हमारी बर्गर सिंह से दो चीजें अभी आपने एक चीज नोटिस करी डोमिनोज मैकडी बर्गर सिंह तीनों 104 उन्होंने वाटर सब्सटेंस में क्या क्या दिया था कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक वो तुम चाहे कोक ले लो फैंटा ले लो मरिंडा ले लो या जो मर्जी ले लो इन्होंने भी हमें ऑप्शन दिया था कि उन सब में से चारों तीनों चीजों में से ले लो और एक साथ में ऑप्शन दिया था ये बोतल तो अच्छी है तो ये है हमारी गुलाबो पिंक लेमोनेड लड़की काली रेसर साले और ये रहने वाली हमारी 200 ml और ये भी 69 की है ट्राई करके देखते हैं इसको भी अगर आप कोल्ड ड्रिंक से हटके कुछ ट्राई करना चाहते हो तो ठीक है नहीं तो मैं इसको वेल 7 करना चाहूंगा एवरेज प्रोडक्ट मैं तो ठीक देना चाहूंगा इसको मेरे को अच्छा लगा मैं इसको 9 देना चाहूंगा ओके इस ओवरऑल मील को कितना रेट करना चाहोगे भाई इसको मैं देना चाहूंगा देख बर्गर तो मैंने खाया नहीं पर मैं अगर फ्राइज और इसके ऊपर देख के बोलूं मना कौन कर रहा कोई नहीं अगर मैं इन दोनों 1 मिनट आई नो ना मैं बोल भाई है डाइटिंग में डोले देख रहे हो भाई मैं नहीं हूं भाई भाई इतनी ज्यादा डाइटिंग में भाई कुछ नहीं खाता इनमें से बर्गर चीजी होते हैं चीज होता है बर्गर में ब्रेड होती है कितनी कैलोरीज होती है बर्गर में पता नहीं यार मैं तो खा लेता हूँ अबव देन 200 इसलिए बता रहा कि नजर लग जाती है लोगों की नजर क्या होती है भाई नजर अबे तेरे पे क्या नजर लगेगी तो इट्स अ गुड मील और मैं भी इसको रेट करना चाहूंगा अ वेल 8.5 मैं इसको 8 देना चाहूंगा अभी पहले अब हमारी बढ़ते हैं गाड़ी से बर्गर किंग किंग की तरफ उनकी मील लेने के तो अब हम आ चुके हैं अपनी फोर्थ ब्रांड की तरफ दिस इज द लास्ट ब्रांड ऑफ दिस वीडियो सारी की सारी मील 100 के आसपास ही वैसे तो अंडर 100 ही मानो उसके ऊपर जीएसटी लग के 104 की हो जाती है तो लेट्स हैव दिस मील सबसे पहले इनके निकले फ्राइज मैकडी जैसे फ्राइज लग रहे हैं लो एक आप खाओ आप खाओ मैंने जो बात कही थी बर्गर सिंह के फ्राइज अच्छे थे ये कहते हैं ना जैसे कोई चीज नहीं आती है ना वो दूसरों से सीख के आती है ये देखो ये जो फ्राइज का हाल हो जाता है इनके थोड़ी देर बाद वो चीज बर्गर सिंह में नहीं होती भाई ये तो मेरे को मैकडी से भी बहुत बकवास लग रहा है मैकडी के भी खाए
बर्गर किंग के भी खाए, दोनों के में कोई फ्लेवर्स नहीं थे, एकदम सेम ही था, फ्राइड ही थे। डिफरेंस क्या लगा भाई उसमें? ना थोड़ा पिन सॉल्ट डाल रखा था, कुछ भी था। सॉल्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर आलू की बात कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा मतलब अलग भी है, हाँ। कच्चा भी है थोड़ा ये, मतलब कच्चा नहीं कहूंगा मैं इसको, ये जैसे हम फ्रोजन उसके नहीं लेते मैकेन्स के, वो वाला टेस्ट आया काइंड ऑफ कह सकते हैं। इसके तो नहीं पसंद है यार। तीसरी चीज, अरे सेकंड चीज की तरफ बढ़ते हैं, इसकी क्रिस्पी वेज बर्गर। ओए होए 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 होए, लेट्स हैव इट। लिटरली कैसे बर्गर किंग का मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मेरे को मैकडॉनल्ड्स सुपर। इतने दिनों बाद आया, हाय हाय भाई, इतने दिनों बाद मत समझा नहीं मैं ब्रो। नहीं मैंने बर्गर किसी और का खाया था अभी, इससे इतने दिनों बाद खा रहा हूं। ओह ओके ओके ओके। कैसी लगी ये पूरी मील? ये पूरी नहीं हुई है वैसे अभी? हां अभी पूरी नहीं हुई है, थर्ड आइटम रह रही है इसकी तरफ से। आप ये इनकी कोक पी लो। वाओ क्या बढ़िया। बर्गर किंग में मेरे को सिर्फ कोक ही अच्छी लगती है। इस पूरी मील को कितना रेट करना चाहोगे? भाई फ्राइज के सबसे पहले पॉइंट काटूंगा मैं। Okay. दूसरा इन्होंने पता नहीं फ्राइज का भी ना कुछ उम्बड़ सा करके डाल दिया, मतलब ऐसे फेंक दिया, लो खाओ खाओ। इसको मैं बर्गर अच्छा है तो 8 पॉइंट देना चाहूंगा इसमें। तो फिर अब हमने चारों की चारों ब्रांड सुबह से लेके शाम हो गई अभी तक हमने डोमिनोज, मैकडी, बर्गर सिंह, बर्गर किंग जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स है अमंग यूथ, किड्स और हमारे बीच, सारी हमने ट्राई कर ली। मैं सुबह से खाते खाते थक गया, सो मील। अब तो भैया 2 महीने तक हाथ जुड़वा लो, ये चीजें नहीं खाऊंगा। तो ये था हमारा चीपेस्ट मील्स को ट्राई करने के बाद कि कौन सी मील आपको खानी चाहिए जब आपके पास पैसे ना हो हमारी तरह। नोट कमाए दुनिया ने तेरी यार ने भाई चारा रे। तो फिर यही तक थी हमारी अमेजिंग से अच्छी सी बेहतरीन सी वीडियो। तब तक के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर से लाइक करना और ऐसे नोटिफिकेशन बटन दबा देना। तो फिर तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.